दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन के बढ़ते वर्चस्व को कम करने और चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और फिलीपींस एक साथ आ गए हैं। NHK वर्ल्ड ने पुष्टि की है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और फिलीपींस इस बात पर सहमत हो गए हैं कि अमेरिकी सेनाएं दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस में 4 और ठिकानों का उपयोग कर सकती है। इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते कदम को रोकना है। इस तरह अब फिलीपींस में अमेरिकी सेना के कुल 9 ठिकाने हो गए हैं। उधर अमेरिका और फिलीपींस के इस समझौते से चीन बौखला गया है, उसने धमकी तक दे डाली है। दोस्तों, इस संबंध में गुरुवार को अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने मनीला में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और रक्षा सचिव कार्लिटो गाल्वेज जूनियर से अलग से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने बाद में फिलीपींस में अमेरिका द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले कुल ठिकानों की संख्या को 9 तक लाने के समझौते की घोषणा की। NHK वर्ल्ड के अनुसार अतिरिक्त स्थानों पर विवरण की घोषणा अभी बाकी है। दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की बढ़ती उपस्थिति का उद्देश्य स्पष्ट रूप से चीन के खिलाफ मजबूत होना है, क्योंकि चीन दक्षिण चीन सागर और ताइवान के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियों को तेज कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्टिन ने कहा कि हमने फिलीपींस के आसपास के समुद्र में अस्थिर करने वाली गतिविधियों को संभालने के लिए ठोस कार्रवाई पर चर्चा की थी। NHK वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि US फिलीपींस गठबंधन दोनों लोकतंत्रों को अधिक सुरक्षित बनाता है और एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक को बनाए रखने में मदद करता है। इस समझौते पर फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस ने खुशी जताई है और कहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि फिलीपींस और एशिया प्रांत के भविष्य में हमेशा के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को शामिल करना होगा। उन्होंने कहा कि साझेदारी दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकती है। दोस्तों, बता दें कि समझौते के बाद चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मांगो निंग ने गुरुवार को एक नियमित समाचार सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में योगदान देना चाहिए और किसी तीसरे पक्ष को इस पर नहीं आना चाहिए। मांगो ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अपने लाभ के लिए इस क्षेत्र में सैन्य निर्माण कर रहा है, इससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहा है और शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के आसपास के देशों को इस तरह के कदमों के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसका फायदा न उठाया जाए।